सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। कौशाम्बाक्षर हृदय नारायणी नमस्ते।
त्रिशूलचन्द्रहिले महाविष्णुवाहिने माहेश्वरेन्द्रेण नारायणे नमस्ते मयूरकुटविदे महाशक्तिधरे नरे कौमारे रामसन्दाने नारायणे नमस्ते शङ्खचक्रागदाधारे गृहेतपरमायुधे प्रश्रीसवैष्णवे लोके नारायणे नमस्ते गृहीतग्रमहाजग्रे दशाधवसन्धरे वराहलोपे शिवे नारायणे नमस्ते नरसिंहलोपे नग्रेणाहन्दृत्याङ्गलोभ्रे त्रैलोक्यत्राणदैते नारायणे नमस्ते किरीटने महावज्रे सहस्रनयनाध्वरे वृत्तप्राणहरे चन्द्रे नारायणे नमस्ते शिवधूते स्वरूपे नहदृत्या महाबले घोररूपे महारावे नारायणे नमस्ते दशागरारवदने शिलामालाभिभूषणे चामुण्डमण्डमदने नारायणे नमस्ते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये सद्ये भक्तिधरे धरे महाराजे महाविद्ये नारायणे नमस्ते मेधे सरस्वते भरे भूतिभावहितामते नियते सम्प्रसीदेशे नारायणे नमस्ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ते समन्विते द्वयनेत्राहिनादेवे दुर्गे हेवे नमस्ते वृन्दज्वपदनं स्वाम्यं लोचनात्रभूषितं पातु नः सर्वभेदेभ्यः कात्यायने नमस्ते ज्वालाकरालमध्यग्रामजयशासरसोधनं त्रिशूलं पातु नो वेदे भद्रकाले नमस्ते हृदस्ते दधते यान्ते स्वनेनापोरजाजगत् साखण्डा पातु नो देवे पापेभ्यो नः सुदानिव अश्रासयुवसाभङ्गजिरस्य करजः शुभाय गर्गभूत चण्डिकेतान्नदाभयम् रोगानशेषानवहासितुष्टम् रुष्टादुकामान् सकलानभीष्टान् त्वमाश्रितानां समीपान् नराणाम् त्वमाश्रितायाश्रयतां वेदाकृतव्यादनां दयाद्य धर्मान्धिकां देवि महासुराणां रूपे अनेके बहुधा त्वमोदे कृतमृगेदात्रकरादिकान्यां विद्याशुशास्त्रेषु विवेकधीप स्वाध्येषु भाग्येषु जगादधन्यां मम द्वघरे महान्धकारे विभ्रामयते तदेव विश्वं रक्षान्ति यत्र गविजाजनाग यत्रारयोदस्य बलानि यच्च नाभानलोयात्र दधाभिमध्ये पत्रासितादं परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरेदं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिकाधारयते दिविश्वम् विश्वेश्वन्द्या भवते भवन्ते विश्वाश्रयाय त्वयि भक्तिलम्बा देवे प्रसीदपरिपालयनार्भेदे नित्यं यथा सुरभदा धनुरेव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रथमं नयास उत्पादपाकजनिताश्च महापसर्गान् प्रणतानां प्रसेदतां देवे विश्वातिहायि त्रैलोक्यवासिनामे दे लोकानां वरदा भव दीर्घ्योवाच
वर्णाहं सुरगणा वरं जन्मनजेच्छदम् पम्रदं यक्षामि जगदामुपकारकम् देवालोचः सर्वाभाधा प्रशमनं त्रैलोक्यग्रेशरी एवमेव त्वयागायम् अस्मद्वैरिविनाशनम् देव्यो वाच देवसुरेन्द्रे प्राते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भलिम्भसेवान्यमुत्पद्भेदे महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याजलनिवासिनि पुनरप्यतिरोधेन रूपेण मृतहेतरे अवतीर्यहनिष्यामि विप्रलिन्दा सुदानवान् रक्षयन्त्या शतानुग्रान् विप्रयुक्तान् महासुरान् रक्षाधन्ता भविष्यन्ति दाणिमे कुसमोपमाः ततो मा देवतः स्वर्गे मर्त्यलोके जमानवाः सुबन्धोर्या हरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् भूषशतभाषिका मनाविष्ट्या मनम्बसे मुनिभिः संस्कृता भोपा सम्भविष्यानिया ततः सदेन नेतानानयेष्यामिरन्मने कीर्तयिष्यन्ति मनयः सदा चेमिति मातरः ततः ममखिलं लोकमात्मदेह समर्थने वहिष्यामि सुरासागेराविष्टिः प्राणधारके साकं भवेति विख्यातं तथा यास्याम्यहं भवे तत्रैव वदिष्यामि दुर्गमाख्यमहासुरम् दुर्गादेवे तु विख्यातं तन्मेहामवविष्यति पुनश्चाहं सुधा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि रक्षयिष्यामि मुनीनां दानकारणात् तदा मा मुनयः सर्वे शोचन्ध्यानं प्रमोदयः भीमादेवेषु विख्यातं तन्मे नामविष्यति यदारुणाख्यस्य लोके महाभागं करिष्यति तदाहं समरं रूपं कृत्वा शङ्करेश्वरपदम् त्रैलोक्यस्य हादाय वदिष्यामि महासुरम् भ्रामरेति च मालोका सुरा शोचन्ति सर्वतः इत्थं जलायुधा वादाधानमोद्धा भविष्यति तदा तदा हेयाहं करिष्याम्ये संशयाम् सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्र द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिवघर के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती ही पूजा के समय समस्त देवतागण भी कारवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं। आरती के इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य को अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें, आपके मनोकामना को आपके मनोरथों को पूर्ण करें। ये आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकरण माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षफल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए, आपके बुद्धि के लिए, आपके उन्नति के लिए, आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा
माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही, सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले ही, धन धन की वृद्धि करने वाले ही। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते ही, माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते ही, उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते ही, दीर्घायु को प्राप्त होते ही, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजन ने माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरणों में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। ध्यान ॐ विद्युत्थामसमप्रभावयवते स्कन्धस्थितां तस्याहं सकलामानाशयिष्यामि संशयाम् मधुकेतवनाशं च महिषासुरघातनम् कीर्तनिष्यन्ति शेतल्लवलं शुम्भनिशम्भयोः अष्टं यां च चतुर्दशानवं यां चेतसः सोऽयन्ति च भजे वक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् नाशेदा दुष्कृतं गञ्जय दुष्कृतदानजापदः भविष्यति न दारिद्र्यम् शत्रुतोनालयम् तस्य तस्य लोभानलायनः नाशस्मानलभो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्मनेतन्महात्म पठितव्यम् समाहितैः श्वभ्रजम् च तथा भक्त्या परम् स्वस्यानुपसर्गान् शेषासो महामारे सहर्षवान् तथा त्रयदवस्तादमहाद्वंशलये मम यत्त्वेदन्वठते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा नागल्यमौल्याने सारिध्यम् तत्र मे स्थितम् बलिप्रधाने भूयायामग्निकाले महोत्सवे सर्वम् मे तर्चरितमञ्चायम् साभ्यमे भज जानता जानता भावे बलिभोजा तथा किलाम् प्रभिज्यामहमेद्यवन्यहामम् तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिके तस्यामेतन्माहात्म्यम् श्रुत्वा भक्ते समन्वितः सर्वाभाधाधिनोक्ता धनधान्या सुधामितः मनश्यामत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वामेतन्माहात्म्यम् तथा जोत्पत्तया शिवा परागमम् लयध्ययायते निर्भया भवान् नृभुवः सङ्ख्ययम् जाने कल्याणम् च भवद्धरे नन्दते च कुलम् पुंसमाहाङ्गमम शर्वदाम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा स्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु जोग्रासो माहाङ्गम् जनयाम् भवान् उपसर्गाश्रमम् जाने ग्रहपीडा च दालिना दोषमिदम् जानवेदष्टम् दोषमिदमभयायते बालग्रहामि भूतानाम् बालानाम् शान्तिकारकम् सङ्घादधेते जनेनाम् मैत्रे कर्णमुत्तमम् दुर्वृत्तानामशेषाणाम् बलहानिकरम् परम्
रक्षा भवत पिशाचानां पठनादेव नाशनम् सर्वम् वेदन्माहात्म्यमवासन्निधिकारकम् पशुपुष्पाकधूपे च गन्धदीपे तदात्मने विश्वानां भोजने होमे भोजने हरिजम् अन्ये च वेदेवागिः प्रदाने वत्सरेण च श्रुतम् हरति पापानि तथा रोग्यम् विरक्षति रक्षाम् करोति भूतेभ्यः जन्मना केतनाम् मम युक्ते सोजनम् जन्मे दुष्टदत्यानिवर्हनम् तस्मै सुदेवे ऋगिदाम् भयाम् पुंसाम् न जायते युष्माभिस्तुतयो याच याचवम् न श्रीकृता ब्रह्मणा जागृतास्तात् मया चन्देषु वामने अरण्ये प्रातरे वागे धावाग्ने परिवारिणः दशभिधाभिधाशने गृहे तो वापि शत्रुः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वावनहस्तिः राज्ञा क्रुद्धेन चाग्रप्तो वध्यो वन्द्यागतोऽपि वा आह्वनितो वा वादेन सुतः भवते महानवे पथशोचाभिशस्येषु सङ्ग्रामे विषदारिणे सर्वभादासघोरादभेदनाव्यापितोऽपि वा समर्णवेदैलान्नरामञ्जेदसङ्गतात् मम प्रभावा सिंहाध्यादस्वैरिणस्वता भूरादेवलायन्ते स्मरतचरितम् मम विषदधा हेतुक्ता सा भगवते चण्डिका जण्ठविक्रम पश्यतामेव देवाना दत्तेवान्तधीयत तेऽपि देवानिरातङ्गः स्वाधिकारायता पुरा यज्ञभागाभिषा सर्वे चक्रविनिहतारयः नेत्या च देव्यानेते शुम्भे देवायदे विध्वंसनेतस्मै महाभ्रतलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषः पादालमाययः एवं भगवते देवि धानित्यापि पुनः पुनः सम्भूया कुरुते भोग जगतः परिपालन प्रयन्वाय देवेषां सेवविषां प्रसूयते साचादिदा च विज्ञानं तुष्टारित्ये प्रयच्छति व्याप्तं दयेदसकलं सङ्गारमयेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारे स्वरूपयाम् सेवकाले महामारे देवसृष्टे भवत्ययाम् स्थितिम् करोति भूतानाम् सेवकाले सनातने भवकाले नृणाम् सेवा लक्ष्ये वृद्धे पदागृहे सेवाभावे तथा लक्ष्ये विनाशाय उपजायते सुखा संयुधा पुष्टे धूमगन्धादिवेश्वरा च मतिम् धर्मे गतिम् शुभा अत्सिद्धकुञ्जिका स्तोत्र शिवोवाच शिवो देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डीयापः शुभो भवेत् नागवचम् नागलासोदम् केलकम् न रहस्यकम् नासोदम् न विधानम् च नन्यासो न च वाचनम् कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलम् लभेत् अधिगृह्यतरम् देवे देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयम् बृहत्नेन सुयोनेयमपार्वते मारणमोहनम् वर्षसम्मनाचारणादिकम् पाठमात्रेण संसिद्धे कुञ्जिका सत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं गामुण्डायै विद्ये ॐ गौं हौं क्लीं यौं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं गामुण्डायै विद्ये ज्वल लं 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 भस्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुवर्धने नमः केतवहारिण्ये नमस्ते मरिजाभिने नमस्ते शुम्भहन्ते जानिशुम्भासुरशान्तिने जागृतं हे महादेवे यवसिद्धिर्मे
चामुण्डा चन्दघादिकारे वरदायिनि भिज्यजाभयदानि च नमस्ते मन्दरोमिनि भां ह्रीं ह्रां ह्रे भग्ने भां भे भोभागधीश्वरे ह्रां ह्रीं ह्रों कालिकादेवे शां श्रीं सोमेश्वरं करो हुं हुं हुङ्गारोपिन्यै जम 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 भराधिने ब्राह्म भ्रीं ह्रों कैरवे भद्रे भवाने दे नमो नमः अङ्कं जं गं 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 यं षं वेदं ऐं वें हं जं द्व्याघ्रं द्व्याघ्रं धोरय धोरय धीप्तं गुर गुर स्वाहा पां दे मुः पार्वते पूर्णम् घे जले तथा सांसे लोह सप्त जलेभ्या मन्त्रसिद्धे नरशमे इदं तु गञ्जिका सदं मन्त्रया घति हे जले अभक्तैरेव दातव्यं गोभिरं रक्ष पार्वते यस्तु गञ्जिकया देवी हीनां सप्तयदे भटे नादस्य जायते सिद्धे अरण्ये राधनां यथा अथ दुर्गाय पद्धरशक नमस्ते शरण्ये शिवे सारगन्दे नमस्ते जगद्व्यापि देवेश्वरो नमस्ते जगवञ्चपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणीन्द्राहिदुर्गे नमस्ते जगजञ्जमानास्वरूपे नमस्ते महायोगिविज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते Amen.
Yeah.
होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से यह प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे।
धर्म प्रेम बंधु भक्तजन साधक जन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक इस माँ जगजन के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवत माँ से प्रार्थना करते ही अपने कल्याण के लिए परिवार के सुख समृद्धि के लिए माँ भगवती का श्रवण करते ही माँ भगवती की स्तुति करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। वास्तव में जिन भक्तों पर इस माँ जगजन्य जगत माता की कृपा हो जाती है, जिन भक्तों को इस भगवती आदि शक्ति माता महाकाली महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो जाते हैं, उनके जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। उन भक्तों के सभी कार्य जो सिद्ध होते हैं, उनकी समस्त विघ्न बाधा दूर होती हैं और सर्वत्र जो है वे भक्तजन जो है परम कल्याण को प्राप्त होते हैं, जिस कार्य के लिए भी वे चिंतन करते हैं उन कार्यों में उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है, उनकी मनोबल सिद्धि कामना जो है वह पूर्ण होती है और माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ जो है उन्हें सर्वत्र जो है कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए भक्तजन जो है अत्यंत श्रद्धा पूर्वक माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए माँ को रिझाने के लिए माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माँ के दरबार में आकर के करवत यही प्रार्थना करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आपकी पूजा में आपकी आराधना में आपकी अर्चना में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जीवन में जानने अनजाने में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ भगवती हम भक्तों को क्षमा करना और हम भक्तों का मार्गदर्शन करना, सर्वदा हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करना, सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना, ऐसे हम पर कृपा करना, ऐसा ज्ञान देना ताकि हमारी बुद्धि में कभी किसी पर विकृति न आए और इसी प्रकार से हम धर्म के मार्ग पर चलते धर्मानुकूल कर्म करते हुए आपके चरणों की भक्ति करते हुए कल्याण को प्राप्त हो सके, ऐसा हमें आशीर्वाद देना। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो माँ की कृपा जो मैं आपको बतला रहा था कि इसकी कृपा जब हो जाती है, माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो जाते हैं, तो साधक जो है सब ओर से परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं, क्योंकि जिस सारा यज्ञ जो है इसी भगवती महामाया के द्वारा जो है ये मोहित किया गया है और इसकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। ज्ञानी नाम चेता से देवी भगवती सा भला द कृष्ण मोहाय महामाया प्रजस्यति। जो भगवती बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े तपस्वी जो है वह भी मोह के गहरे गर्त में गिरा देती ही, फिर सामान्य मनुष्य का कहने क्या, कोई कहे मैं बड़ा तपस्वी हूँ, बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं हमेशा सावधान रहता हूँ, परंतु इसकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। जिन पर कृपा होती है जय भगवती उन्हें सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे देती है और जिन पर जो रुष्ट हो जाती है उनकी बुद्धि जो है वह छीन लेते हैं, अर्थात बुद्धि के शुक्र थोड़े ढीले कर देती है। तो अपने व्यक्ति जो गति को प्राप्त हो जाते हैं, केवल मात्र मनुष्य नहीं देवता भी जो है जीवी भगवती की आराधना करते माँ की उपासना करते हैं और देवता भी जो है जे भी मोह में पड़ जाते हैं और इस प्रकार से मोह में पड़ करके संकट में आ जाते हैं। देव ऋषि जो है देवराज इंद्र जो है जो देवता के राजा हैं, इन्होंने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप का वध कर दिया, ब्रह्म हत्या लगी, फिर वृत्रासुर का वध किया। इस प्रकार से जिस कारण से जो है पाप हुआ तो पाप का फल ही भोगना पड़ता है। वश्म होक्तव्यम कृतम कर्म शिवाशम न क्षेत्र कर्म जन्म कोटि सतरपि, बिना भोगे कर्म क्षीण नहीं होते, जो जैसा करता है उसको फल भोगना ही पड़ता, चाहे देवता ही क्यों न हो। इंद्र ने पाप किया, ब्रह्म हत्या लगी, तो उसका सिंहासन ही चला गया। कहते बहुत समय तक वह दुखी रहा, अंत में जो है सचिव ने भगवती को प्रसन्न किया, माँ की आराधना की, भगवती कृपा हुई, तो बहुत समय के उपरांत जो है उन्हें पुनः राज्य की प्राप्ति हुई थी। उनके स्थान पर जो है महर्षि नहुष जो था उसको अभिषिक्त किया गया, नियुक्त किया गया और जो है उसको जो अहंकार हुआ तो वह भी अधोगति को प्राप्त हो गया था। उन्होंने ऋषि का अपमान किया जिस कारण से वह सत्य की जोनी में चले गए। तो जब सत्ता
प्राप्त होती है, उस पद को व्यक्ति प्राप्त हो जाता है, उस शक्ति का जब दुरुपयोग करते हैं तो अधोगति को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जब अहंकार होते हैं तो जय माँ उनकी बुद्धि ही मलिन कर देती है, वह सोच नहीं पाते हम क्या कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा। यही बात ऐसी हुई है कि त्वष्टा ऋषि हुए हैं जो प्रजापति के पद पर जो है नियुक्त थे, ऐसे त्वष्टा ऋषि जिसकी देवता भी बात मानते थे। त्वष्टा ऋषि से जो है इंद्र का वैमनस्य होगा और उन्होंने जो है यज्ञ किया, अपने तपोबल से जो है एक पुत्र की उत्पत्ति कर दी जिसका नाम जो था विश्वरूप होगा। और विश्वरूप जो है ऐसा उसका स्वरूप था कि तीन सिर थे उसके, तीन मुख और बड़े ही सुंदर जो है। वह विश्वरूप जो था इतना सुंदर था और फिर जो है तपस्वी, कहते कि एक मुख से वह वेद पाठ करता था, एक मुख से वह मधुपान करता था और तीसरे मुख से दसों दिशाओं का अवलोकन करता था। ऐसा वह त्वष्टा ऋषि का वह पुत्र जो विश्वरूप जो है जो कि त्वष्टा में तल्लीन हुआ तब करने लगा, कहते कि बड़ी घोर तपस्या की। इस प्रकार से ऐसी तपस्या उन्होंने की जिससे उसके शरीर का इतना तेज जो था कि वे अग्नि के सदृश सूर्य के सदृश जो है वह चमक रहा था, प्रकाशित कर रहा था, जहां वह बैठ करके तप कर रहा था, ऐसी उसकी तपस्या थी। गर्मियों में पंचाग्नि जो है, पंचाग्नि जो है वह प्रज्वलित कर करके वह तप करता, चारों जो अग्नि जो है जकुंड बना करके फिर बीच में बैठना तप करना, और सर्दी के मौसम में जो है जल के बीच में बैठकर तप करना, ऐसी उसकी कठिन तपस्या थी। जिस तपस्या को देख करके जो है इंद्र जो भयभीत हुआ, वह विचार करने लगा कि जे मेरा कहीं सिंहासन जो है जे छीन न ले, ऐसा का तपा तप है। क्योंकि जिस सब जो है अब देखी कि जीवन जितने जो उच्च पद पर बैठे हुए हैं, जहां 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 पर जिस जिस स्थान पर बैठा है, जिसकी पूर्व जन्म की जो पुण्य का फल होता है, तप का फल होता है, थोड़े तपस्या का फल नहीं होता, जो बड़े बड़े उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, कई जन्मों की तपस्या का फल जो है पुण्य जो उदय होते हैं, तो इस प्रकार से व्यक्ति ऐसे उच्च पदों को प्राप्त होता है जो इस देश का जो संचालन करने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त होता है। तो जी अनेक जन्मों के पुण्य का फल होता है। अब जो है ऐसी उसकी तपस्या देख करके जो है इंद्र घबरा गए कि ये मेरा सिंहासन कहीं ये चला ना जाए, अब कैसे जो है इसकी तपस्या जो है ये भंग की जाए, कैसे इसको तपस्या से विमुख किया जाए। तो क्या उपाय था, इंद्र ने अवसरों को प्रेरित किया, अवसर भेजी जिस कर्कवर्ष में हो सकता है इसको कामासक्त कर करके जो है इसकी तपस्या जो भंग कर दो, ताकि ये कामासक्त होकर के तपस्या छोड़ करके अब दूसरे कार्यों में फंस जाए। अब अवसर जो उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत हो जाइए, अवसर वहां पर आए और कई प्रयत्न किए, परंतु जो है बोध तपस्या में ऐसे लीन है कि जो है इस प्रकार बहरा गुंगा हो गया, ना कुछ मुख से बोला और ना ही कुछ सुना, इस प्रकार से भगवान की आराधना में तल्लीन है। बड़ा प्रयत्न करने के उपरांत जो है अप्सरा जो है हार करके वापस लौटे और कहा कि हम जो है इस कार्य में सफल नहीं हुई, ये कृपा होगी उसकी कि उसने हमें शाप नहीं दिया, वैसा तपस्वी है और वास्तव में उसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, इंद्रिय विजेता है, ऐसा तो अच्छी मुनि जो है उसको हम प्रायोजित नहीं कर पाए। अब जो है इंद्र के सब बतला करके वह तो चलेंगे, आप इंद्र दिन रात जो है चिंता में पड़ गया और कैसे, देखिए जो दूसरों को दुख देते हैं स्वयं भी संकट में आ जाता है, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है अपने लिए पहले कुआ तैयार होता है। तो दुख देने से सुख की प्राप्ति नहीं होती, व्यक्ति स्वयं जो है संकट में आ जाए, विपत्ति में, ये नहीं है कि मैं अपने जीवन से इसको उठा दूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा,
कहीं ना कहीं स्वयं भी उस संकट, क्योंकि पाप जो है वे कभी किसी को छोड़ते नहीं, थोड़े समय के लिए बड़े ही उसके अच्छे पूर्व जनों के पुण्य होंगे तो थोड़ा जीवन चल जाएगा, लेकिन जब पाप सामने आते हैं तो अकस्मात ही वे व्यक्ति ऐसे गिरता है पता नहीं चलता कि हुआ क्या, एकदम नरक में चला जाता है। अब जो है इंद्र जो है कई प्रकार की वे योजना बनाने लगा कैसे मारा जाए इसको। आखिर जो है वह स्वयं जो है अपने ऐरावत हाथी पर विराजमान हुआ और उस स्थान पर आ गया जहां पर वह तप कर रहा था। तो उस समय तल्लीन है उसको कोई पता नहीं, ऐसे एकाग्रचित हो साधना कर रहे हैं और वहां कुछ समय खड़ा रहा, क्या करूं कैसे इसको मारूं, और अंततः उसने अपना वज्र उठाया और सिर पे दे मारा। तो उस समय तल्लीन है कोई जो है उससे कोई द्वेष नहीं है, कोई शत्रुता नहीं है, कोई उसका दोष नहीं है कि उसको मार दिया। अब वो तो तपस्या कर रहे हैं, उसे पता भी नहीं मुझे मारने के लिए जब खड़ा वेद भगवान के ध्यान में ही, तो वज्र के सिर पर दे मारा और वज्र ऐसे प्रहार किया कि उसकी प्राणांत हो गई। अब इंद्र बड़ा खुश हुआ कि जो है मैंने तो अब इसका जीवन लीला समाप्त कर दी, मेरा शत्रु अब जो मार दिया गया है अब जो है मैं निश्चिंत हूं, अब मेरा पद कोई नहीं छीन सकता। अब जो है वहां से जब आया पीछे मुड़ करके देखा तो उसकी देख उसके शरीर को देख करके उसे ऐसा लगा कि ये तो जीवित है, मरने के उपरांत भी उसका प्रकाश उसका तेज जो था वह तपस्या का ऐसी तपस्या थी उसकी, तपस्या के फलस्वरूप जो है उसका शरीर जो है वह प्रकाशित हो रहा था। उसको तो फिर जो वहम हुआ कहीं जो जीवित ना हो, जब जीवित हो जाए तो अब जो है वह देखता वहां पर तक्षा जो है जो जो लकड़ी वगैरह काटते हैं, वह उससे दिखा तो उसने उससे कहा देखो आप जो मेरा काम करो, जिस ऋषि इसको मैंने मार दिया है, आप अपने इस कुल्हाड़े से जो है इसके सिर काट दो। उसने कहा महाराज जी क्या कर रहे हो, एक तो पहले भी मृत्यु को प्राप्त आपने उसको मार दिया, दूसरे मरे हुए व्यक्ति को फिर उसके सिर काटना जो है ये तो केवल मात्र पाप में सम्मिलित होना है, मैं क्यों पापी ये पाप करूं किसके सिर काट दूं। तब जो है इंद्र ने समझाया नहीं, मुझे शंका है कहीं जीवित ना हो जाए इसलिए अब इसके तीनों सिर जो काट करके धड़ से अलग कर दो। उसका ये काम मैं नहीं कर सकता, मैं क्यों पाप करूं। तो उसने कहा देखो मैं आपको यज्ञ में भाग जो है दिया करूंगा निरंतर। अब जो है तक्षा भी लोभ में आ गया, लोभ जो है कहते यही पाप का मूल है, जब व्यक्ति लोभ में आता तो पाप कर बैठता जो मुझे मिल जाए, तो यही काम जो है यही लोभ जो है जो पाप का मूल है। अब जो है उसके लोभ आया, उसने कहा ठीक है, अब जाकर के उसने उस विश्व रूप के तीनों सिर काट करके धड़ से अलग कर दिए। कहते जब सिर काटे तो उससे अनंत अनंत पक्षियों का जो है प्रादुर्भाव हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब जो उसके पिता को जो पता चला तो ऋषि को कि मेरे पुत्र विश्व रूप का इंद्र ने वध कर दिया, उसको मार दिया पुत्र मारा गया है तो वो भी निर्दोष। तब जो त्वष्टा ऋषि को बड़ा क्रोध हुआ इंद्र पर कि इंद्र मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, परस्पर जो है शत्रुता बढ़ती गई, एक काम किया और दूसरे के लिए देखिए फिर शत्रुता बढ़ी और आगे आगे और दुख के बाद एक दुख के बाद दूसरा दुख जो है। अब जो है त्वष्ट ऋषि को बड़ा क्रोध हुआ। अब जो है श्रीमद देवी भागवत की कथा जो मैं आपको बतला रहा हूं कि जो भगवती महामाया के द्वारा सब मोहित हुए हैं, प्रजापति ऋषि हैं वह भी इसी चक्र में फंसा हुआ है। कोई ये नहीं सोच रहा कि अब जितनी हम जो है शत्रुता करेंगे द्वेष करेंगे और शत्रुता बढ़ती जाएगी। एक ने पत्थर मारा, दूसरे ने ईंट मार दी, किसी ने एक मारा उसने चार मार दी, तो क्या होता है ये काम लड़ाई का क्या होता है, किसको एक शब्द बोलो आग से चुप रहेगा तो वह गाली जो है उल्ट करके आपके पास आएगी नहीं, और यदि उल्ट करके वापस आए तो फिर जो है ऐसे उल्टे उल्टे जो है फिर मुष्टा मुष्टी होगी, मारा मारी होगी, अनर्थ होगा।
अब जो है फिर प्रजापति वह त्वष्टा जो है इंद्र से कहते कि अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। उसने यज्ञ किया और यज्ञ 8 दिन यज्ञ चलता रहा, 8वें दिन जो है वहां से यह वृत्रासुर जो है उत्पन्न हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। वृत्रासुर तो आप जानते हैं किस प्रकार कितना भयंकर था। अब जो है उसने ऐसी शक्ति संपन्न जब वृत्रासुर को उत्पन्न किया और कहा तो शक्तिशाली हो जा। वह इतना शक्तिशाली हो गया, इतना विराट रूप उसका था जिसे देख करके ऐसा लगता है साथ में कोई काल ही आ गया। तब जो है इंद्र शत्रु, इंद्र शत्रु उसको मारो, इंद्र शत्रु है। तो उसने कहा कि पिताजी बतलाइए मुझे किस लिए आपने जो है उत्पन्न किया है, मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है, क्या करना है मुझे। तो उसने कहा कि तेरा भाई बड़ा भाई विश्वरूप जो है जो तप कर रहा था और तपस्या करते हुए जो है इंद्र ने शल के साथ उसको मार दिया, मुझे बड़ा दुख हुआ है, मैं उसका बदला लेना चाहता हूं, इसलिए जो है आपका नाम वृत्र होगा और आप जो है इंद्र को पराजित करेंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार से वृत्रासुर का प्रादुर्भाव हो गया। अब एक संकट और आ गया। अब इसके लिए इंद्र क्या करें, क्योंकि पहले जो संकट आया पाप हुआ और इस बार तक्षण समझाया भी जे आपने बहुत बड़ी पाप कर दिए, ब्रह्म हत्या कर दिया, मेरे से पाप करवा रहे हो, ऐसा मत करो। तो भी जो है वो कहता कि पाप का प्रायश्चित कर लूंगा मैं बाद में, पहले तो इसको मारो। अब दूसरा जो है वृत्रासुर आ गया है, अब कहां जाए। वृत्रासुर भी इतना शक्तिशाली था, कहते हैं कि उसने भी जब जो युद्ध के लिए लड़का आ रहा युद्ध में जो है इंद्र को पराजित कर दिया, इंद्र को पराजित कर दिया था। कहते कि युद्ध में जो चलते हुए वृत्रासुर इतना शक्तिशाली था कि इंद्र को पकड़ करके उसने अपने मुंह में डाल लिया। सभी देवगण जब घबरा गए, अब क्या होगा, जब मुंह में बंद कर लिया अब होगा क्या। तब जो है उन्होंने जो है गुरु बृहस्पति के पास गए, उनसे प्रार्थना की अब क्या किया जाए। तब जो उन्होंने जम्भाई का आवाहन किया, उसी समय जम्भाई की जो उत्पत्ति हुई थी और जब उसको जम्भाई आई तो वह इंद्र वहां से बाहर निकला, क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि वह जीवित है, उसके पेट में मरा नहीं है। तो जम्भाई का सृजन किया, तभी से जम्भाई जो जब सोते जम्भाई आती है, इस प्रकार से जब वृत्रासुर को जम्भाई आई मुंह खुला तो इंद्र झट से अपना जो छोटा सूक्ष्म बना करके वहां से निकल गया। तो इस प्रकार से अब इंद्र को जो है स्वर्ग लोक से निकाल दिया, वह पराजित हुआ और जो है भांग का सिंहासन जो है वृत्रासुर ने संभाल लिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। उसके बाद अनेक यज्ञ वह करता है और उसका पिता त्वष्टा जो है वह कहते हैं कि आप ऐसी तपस्या करो, इंद्र पर भरोसा मत करना। और देवता ने कहा कि आप जो है वृत्रासुर के साथ संधि करो, संधि कर लो, इस समय यही और कोई उपाय नहीं है, संधि करो तो ही और शल के साथ उसको मार दो। अब जो है जब वृत्रासुर जो है इतना शक्तिशाली था, अब जो है देवता ने जब कहा कि एक ही उपाय है इसके साथ संधि करना, और जो है फिर जो है उन्होंने उसके साथ संधि कर ली। जब संधि कर ली तो जो है अब वृत्रासुर जो है तब करता है, पितर ने समझाया है और बहुत समय तक वह इस प्रकार से वह साधना करता रहा। तो कहते हैं कि किस प्रकार से इंद्र ने पुनः जो है उसका भी वध किया, वृत्रासुर का वध किया, कैसे, भगवती की कृपा से। इससे पहले उसका राज्य चला गया जो है सी पाप लगा। अब प्रातः काल की आरती में वृत्रासुर का वध जो है कैसे इंद्र ने किया था मैं बतलाऊंगा आपको। तो भगवती ने ही इस प्रकार से सबको मोहित किया, उसकी कृपा से ही जो है, क्योंकि जब अहंकार होता है व्यक्ति ऐसे मोह में पड़ जाता है। अर्जुन ने भी जो है ये प्रश्न किया था कृष्ण से कि व्यक्ति जानता है ये गलत काम है तू वह करता है, ये पाप क्यों करता है। दुर्योधन ने भी कई बार जो बात कही कि कोई मैं जानता हूं ये अधिकार मेरे भाइयों का इतना अधिकार है, उनका हिस्सा राज्य का बनता है, परंतु ये कोई ऐसी प्रेरणा मुझे होती है पीछे को प्रेरित करता है कोई जो है इस प्रकार से ऐसा, तो मैं जानते हुए भी जो है ये सब कर रहा हूं।
तो भगवान ने समझे उत्तर दिया था कि मनुष्य के अंदर की जो भावना जो आती है कि ये मुझे मिले, इसकी मुझे प्राप्ति हो जाए, उसको प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे भाई भाई हो, चाहे पिता पुत्र हो, किसी भी हद तक वो जा सकता है। इसलिए जो है ये जो पाप जो होते हैं ये हमारे आगे चलते 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 दुख का कारण बनते हैं। हम तो कहते हैं हम तो अच्छे काम कर रहे हैं, परंतु पीछे हम क्या करके आए इसका किसी को पता नहीं। और जब कोई संकट विपत्ति आती है तो समय भगवती के शरणागत होकर के अच्छे समय की प्रतीक्षा करें और माँ से प्रार्थना करें हमसे किसी प्रकार की भूल हुई हो, कोई अपराध हुआ है, कोई जानने जानने में क्षमा कीजिए, आगे के लिए कृपा कीजिए ताकि हमारा आगे जीवन जो है वह पवित्र हो सके, हम कल्याण को प्राप्त हो सके। इसलिए जीवन को संकट विपत्ति आती है तो जान लेने कहीं ना कहीं किसी जन्म के हमारे पाप हमारे सामने आ गए, उस समय जो है आप जो इस प्रकार से खूब भक्ति करें और जितनी भक्ति करें इतना शीघ्र जो है माया की कृपा होगी, जब कृपा होगी वह संकट विपत्ति जो है उसका पता नहीं चलेगा कि वह आई कैसे और चली कैसे। गुरु सच्चे दरबार की जय। समय अधिक चुका है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, निवेदन कर रहा हूँ श्री जयपुर से माँ के चरण भजन प्रस्तुत करेंगे, आप सभी भक्त संकीर्तन में सहयोग देना से मिलकर उलंत आलि भी जाते हुए श्री जयपुर। जय कर इतनी शक्ति हमें दे न माता, मन अविश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें दे न माता, मन अविश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें अपने अपने हाथ ऊपर उठा कर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए, हाथ सभी ऊपर, माँ भगवती आप भक्तों के हाजिर स्वीकार करें, आपके झोलियाँ भरे, आपके मुरादे पूरी करें, आपका जीवन खुशी से भद्रता में चल जाए। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सहारिया तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सब हर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये थर की थमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती कमी है, बोझ ममता का तुझे उठा ले, तेरी रचना कहीं अंत होना, बोझ ममता का तुझे उठा ले, तेरी रचना कहीं अंत होना, हम चले नेक रस्ते हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे,
इतनी शक्ति हमें दे न माता, मन का विश्वास कमजोर हो रहा। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम अंधेरे सहले खुशी से, हम सजा पाए अपने किए की मौत भी हो तो सहले खुशी से। करुणा
मन का विश्वास कमजोर दरबार की जय। जयकारा मेरी शेरों वाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय। कुछ न बिगड़ेगा तेरा माँ की शरण आने के बाद। घटाए
कुछ न बिगड़ेगा तेरा बाकी शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा बाकी शरण आने के बाद कर्म कर निष्काम निर्भय निश्चय रख चरना दे नाल चरना दी मौज बड़ी रख चरना दे नाल चरना दी मौज बड़ी मां रख चरना दे नाल चरना दी मौज बड़ी मां रख चरना दे नाल चरना दी मौज बड़ी ओ मौज बड़ी मौज बड़ी मौज बड़ी माँ 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 रख चरना दे नाल चरना दी मौज बड़ी रख चरना दे नाल चरना दी मौज ओ जदू तम तेरा दर्शन कीता जेड़ा तेरा रंग मैनू ओदे विच रंग दे जेड़ा तेरा रंग मैनू ओदे विच रंग दे दूजा नहीं सवाल चरना दी मौज बड़ी मेरा दूजा नहीं सवाल चरना दी मौज बड़ी मां रख चरना दे नाल चरना दी मौज बड़ी मां रख चरना दे सरूर मैनू चढ़िया मैया जी दे नाम दा सरूर मैनू चढ़िया ओ बस गई मरो मरो इक पल्ला फड़िया ओ बस गई मरो मरो इक पल्ला फड़िया नाम नाल होवां मैं निहाल चरना दी
ਸੱਚ ਬੜੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਨਿਹਾਲ ਚਰਣਾ ਦੀ ਮੋਜ ਹੋ ਜਦੂ ਦਾ ਮਾਏ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਤੇਰਾ ਚੜਿਆ ਜਦੂ ਦਾ ਮਾਏ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਤੇਰਾ ਚੜਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਤਾਰੇ ਆ ਕੇ ਲੜ ਤੇਰਾ ਫੜਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਤਾਰੇ ਲੜ ਤੇਰਾ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਚਰਣਾ ਦੀ ਮੋਜ ਬੜੀ ਓ ਜਦੂ ਦਨ ਮਾਏ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਦੂ ਦਨ ਮਾਏ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਓ ਭਗਤੀ ਦਾ ਵਾਰ ਮਾਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲਾ ਮੰਗਿਆ ਭਗਤੀ ਦਾ ਵਾਰ ਮਾਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਾਤਾਰ ਤੇ ਕਾਤਾਰ ਤੇ ਗਾਵੇ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਚਰਣਾ ਦੀ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਚਰਣਾ ਦੀ ਮੋਜ ਬੜੀ ਮਾਂ ਰੱਖ ਚਰਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਣਾ ਦੀ ਮੋਜ ਬੜੀ ਮਾਂ ਰੱਖ ਚਰਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਣਾ ਦੀ ਮੋਜ ਬੜੀ ਮਾਏ ਰੱਖ ਚਰਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਣਾ ਦੀ ਮੋਜ ਬੜੀ ਮਾਂ ਰੱਖ ਚਰਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਣਾ ਦੀ ਮੋਜ ਬੜੀ ਚਰਣਾ ਦੀ ਮੋਜ ਬੜੀ ਮਾਂ ਚਰਣਾ ਦੀ ਮੋਜ ਬੜੀ ਮਾਂ ਚਰਣਾ ਦੀ ਮੋਜ ਬੜੀ ਮਾਂ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਉਤਪਤ ਹੈ ਮਰੁਚਰਾ ਮਰਵਿਚੰਦਰ ਵਰਨੇ ਨੇਤਰਾਂ ਬਣੋ ਸਰਜਤਾ ਕੁਛ ਬੈਸ ਸੋਲੇ ਰਮੇਰ ਭਜੇ ਚਧਦਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤਿ ਰੂਪਾ ਕਾਮੇ ਸ੍ਰੀ ਮ੍ਰਿਦ ਵਜਾਮਿ ਕ੍ਰਿਤੇ ਗੁਲੇਖਾ ਸੱਚੇ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਗਾਹੀ ਜੈ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੁਣ ਕੌਮ ਪਾਸੇ ਆਪ ਭਕਤ ਜਿਨੋ ਕੇ ਸਾਇੰਕਾਲ ਕੀ ਆਰਤੀ ਮੇਂ ਮਾਂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਮੇਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ ਕਾ ਸੌਭਾਗਯ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਆ ਸਤਾਮ ਸਤਵੀ ਸੰਗਾ ਕਥੇ ਪੁਨਨ ਭਵਤੀ ਸਤਸੰਗ ਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਜੇ ਬੜੇ ਪੂਰ ਜਨਮ ਕੇ ਪੁਣੇ ਕਰਮ ਕਾ ਫਲ ਹੋਤੇ ਹੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਮਨੁਸ਼ ਜੀਵ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜੇ ਮਾਂ ਕੀ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਤੀ ਹੈ ਭਕਤੋਂ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਵੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਬ ਮਾਂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜੇ ਜਗਜਨ ਨੇ ਉਨ ਸ਼ਰਨਨ ਭਕਤੋਂ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਮੇਂ ਪਰਮ ਕਲਿਆਣਮਈ ਬੁੱਧੀ ਕੇ ਰੋਰਾਜਮਨ ਹੋਕਰ ਕੇ ਉਨ ਭਕਤੋਂ ਕਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤੇ ਹੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਨ ਭਕਤੋਂ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਮੇਂ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਸਦ ਵਿਚਾਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋਤੇ ਹੈ ਹਮ ਸਤਕਰਮ ਕਰੇਂ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੇਂ ਤੀਰਥਾਟਨ ਕਰੇਂ ਦੀਨ ਦੁੱਖ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੇਂ ਮਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਲਈ ਚਲੇਂ ਮਾਂ ਕਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਂ ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਮੈਂ ਧਰਮ ਕੇ ਮਾਰਗ ਪਰ ਚਲਤੇ ਹੋਏ ਧਰਮਨ ਕੁਲ ਕਰਮ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੈਂ ਜਗਜਨ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਰਾਧਨਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਪਰਮ ਕਲਿਆਣ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਤੇ ਹੈ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਭਕਤ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਔਰ ਭਗਵਤੀ ਕੇ ਚਰਨੋਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਾ ਸੌਭਾਗਯ ਸਦਾ ਸਰਵਦਾ ਆਪ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਤਾ ਰਹੀ ਇਸ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਲਾ ਮੇਂ ਆਪ ਸਹੀ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਆਰਤੀ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਓਂ ਕੋ ਵੀ ਮਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਭੂਰੀ ਭੂਰੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਵੇ ਸੰਤਤੇ ਭਾਣੇ ਭਵੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜਸਸਵੀ ਭਵੇ ਪ੍ਰਗਿਆ ਭਾਣੇ ਭਵੇ ਭੂਰ ਭੂਤ ਕਰਨੇ ਦਾਣੇ ਕਨਿਸ਼ਠੋ ਭਵੇ ਤੇਜਸਵੀ ਭਵੇ ਧੈਰ ਦਰਭ ਦਲਣੇ ਵਪਾਰ ਦਕਸ਼ ਭਵੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਭਰ ਪਾਦ ਪੁਣ ਰਤ ਹੈ ਸਰਭੋਪਕਾਰੀ ਭਵੇ ਮੰਤਰਾਰਥ ਸਫਲਾ ਸੰਤੋ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਸ਼ਤਰੂਨਾਮ ਬੁੱਧਿ ਨਾਸੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇਸਤ ਸਰੀਰ ਵਰਚਸ ਆਯੁਸ਼ਮ ਆਰੋਗਮ ਆਵਿਦਾਤ ਸ਼ਮਾਨ ਮਹੀਯਤੇ ਧਨੰ ਧਾਨਯੰ ਪਸ਼ੂ ਪੁੱਤਰ ਲਾਭਮ ਸਤਸਮਸਰੰ ਦੀਰਘਮਾਯੁ ਅਸਤ ਦੀਰਘਮਾਯੁ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ
आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धन्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करें। सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्त जन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे। समृद्ध करना ताली जाते हुए ओम जय अम्बे गौरे तो मेरा
पुजारी जी, मां विभूत की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत मां विभूत की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और मां विभूति से अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे द्रवार की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी, संभल बोलो जय माता दी, 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 जय माता दी। सभी भक्तगण भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करेंगे। सब बोलना देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो जहि, यशो देहि दिशो जहि। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चन मा कश्चन दुःखभाग् भवेत्, दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः, आरती क्रम देखे सुने और मन मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते ही आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। प्रथमे गुरु जी को वंदन द्वितीये आदि गणेश, द्वितीये जिमरा शारदा, मेरे कार्य गुरु हमेश, आनंदे आनंद करो कल्याणी कल्याण, मैयाथ पर चौसठ गरी जो चरणा दा जान। जय Thank you.
खरगं चक्रगदेश जापवरिगं चोलं बशुन्देशिजा संगं संदर्भिं करेतिनैना सर्वांगे भूषा विदांगेगा शुमद्दिमास पादशकां सेवे महाकालिकां जामस्तो सविदे हरो कमलजो हन्तुं मधुकेतवम् अचासर्पविषं कलेशकुलिशं परबन्धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिंहचर्मजलजं घण्टासुरावाजनं शूलं पादुदर्शने सजति अस्ते प्रसन्नायणां सेवे सेवमर्दिनी विरमः लक्ष्मीं करोयद्विदा घण्टाशूलहलालि सङ्गमतले चक्रं धनुसायकम् अर्चाधितपिङ्कणान्तविदुष शीतासुदल्याप्तमां कोरीजेरसमद्भवान्ति जगता आधारभूता महा पूर्वामस्तसरस्वती मनुवदे शुम्भादिदित्यायने तुमेव माता सविता तुमेव बन्धुसरः तुमेव विद्या जयदं तुमेव सर्वं महादेव देव शान्ताकारं भुजगशयनं परमनाभं सुरेश विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जोगविद्यानभङ्गं वन्दे विष्णो भवरणं सर्वलोकैकनाथं भक्तं कुसुमं रामनारायणं कृष्णामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं हरे मुरारे 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 गोविन्द गोपाल मकनकिशोरे कालं व्रजेहि शरणं व्रजेहि विद्यापदे भगवन् नमोऽस्तुते सत्या ज्योता बाली माता तेरी सदा पंचफूला रानी माता तेरी सदा सद्विता बला कन्न वाली माता तेरी सदा सारे संसार विश्रांति देने वाली माता तेरी सदा गुना चुका माफ करने वाली माता तेरी सदा लंकड़ा भी त्याग तेरी सदा बोले सच्चे दरबार की जय धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारत वर्ष हर 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 महादेव बोलो बाबा श्री जगदीश की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय हो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय जनों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सबकी मनोकामना पूरी हो जकारा शरण वाली दा।